गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह का टाइम है, लगभग 11 बज चुके हैं, दोपहर होने को है और अभी है शूटिंग का टाइम। तो शूटिंग का टाइम में मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? सो गाइस, मेरा शूटिंग का टाइम में मैं छत पे आ चुका हूँ और ये शूटिंग है व्लॉग के नहीं, मेरा दूसरा चैनल में, फॉर माई एडुकेशन चैनल। तो ये है मेरा एडुकेशन चैनल का सेटअप, मेरे छत पे ही मैं शूट करता हूँ। शूट के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट, क्या क्या चीज़ मैं इस्तेमाल करता हूँ, चलिए वो थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। सो ये हो गया, फ्रंट साइड में दिखाता हूँ, दिस इज़ द स्टैंड। ये स्टैंड भी एक्चुअली एक नहीं है, दो स्टैंड है। तो एग्जैक्टली ये है द स्टैंड और इसके नीचे मैं ये गोरिल्ला पॉड फिट करके एक पूरा ट्राईपॉड का सिस्टम मैं बना चुका हूँ। ये रेड वाले कुर्सी में मैं बैठता हूँ, दिस इज ऑल दिस थिंग्स। और पीछे का जो बैकग्राउंड का जो कलर है ना, एक्चुअली ये मेरा घर का वॉल है, इट लुक्स सो गुड। जो बैकग्राउंड में ये मेरे छत के सामने का सीन है और एक प्रॉब्लम है मेरे घर के सामने, एकदम रास्ते के ठीक मेन रोड के ठीक ऊपर ही साइड में ही मेरा घर है, इसीलिए नॉइज बहुत ज़्यादा आता है। मेरे सामने के इस बिल्डिंग में देखो, पूरा ऊपर देख सकते हो, पूरा ऊपर एक दो तीन लोग यहाँ पर पेंट कर रहे हैं, कैसे जस्ट लाइक हैंगिंग दे हैव टेकन द प्रोटेक्शन भी लिया है, पर उसके बाद भी एक एक्सपेक्ट तो रहता है, देखो कितना ऊपर है, बाई गॉड। दोस्तों मेरा शूटिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, एक्चुअली ड्रेस भी चेंज हो चुका है क्योंकि आज मैं बैक टू बैक 4 एपिसोड मैंने आज शूट किया, तो इसीलिए एपिसोड के साथ ड्रेस भी चेंज करना पड़ता है। तो जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक चीज़ मैंने खरीदा है कुछ दिन पहले, ये जो दिस इज़ द एक माइक्रोफोन है, ये माइक्रोफोन है जैसे ये वाला कंपनी का, जस्ट लाइक मोनो समथिंग लाइक दैट, अमेजिंग। आज पहली बार मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, यूजुअली मैं जो माइक्रोफोन यूज़ करता हूँ दैट इज़ द बोया का भी वेरी गुड है, बट बोया का जो तार है ना, जो वायर है बहुत लंबा है, मीन्स यहाँ से पूरा वहाँ तक पूरा तार चला जाता है, बट ये वाला जो माइक्रोफोन का जो तार छोटा है। मैं बोया का माइक्रोफोन मेरे स्टूडियो में, ये मेरे घर में नहीं था, तो इसको मैंने ट्राई किया एंड बिलीव मी इट इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। जो इस माइक्रोफोन का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, टू सम एक्सटेंस ये बोया से भी बहुत ज़्यादा है, तो मैं हाईली रिकमेंड करता, अगर कोई यूट्यूबर बंदा वीडियो देख रहे हो, अगर आप माइक्रोफोन खरीदना चाहते हो, यू कैन बाई दिस माइक्रोफोन। इसका दाम भी बहुत रिजनेबल है, ऑनलाइन में ऑफर में खरीदा 300 रुपीज़ में, एंड मैं बोया का भी इस्तेमाल करती हूँ, ये भी इस्तेमाल किया, सो फीडबैक इज़ क्वाइट गुड। बंगाली लोग बहुत ही मछली जस्ट लाइक फंड मछली होते हैं, तो देख सकते हो आज दोपहर का जो मेनू है, दो फिश है, ये है क्या बोलते हैं इसको, फिश भट्टा बोला जाता है। ये पूरा जो मछली को पूरा तोड़ मरोड़ के पूरा जस्ट लाइक इसको पूरा डस्ट बना दिया गया है, एंड इट इज़ वेरी जूसी एंड इट इज़ सो टेस्टी। इसको बोला जाता है, मेरे मुँह में पानी आ रहा है, इसको बोला जाता है लोटे माछ। इसको मेरा मम्मी ने पूरा जस्ट लाइक देखो पूरा एकदम खाई बना दिया है, जो आप इसको पीस कर खाओगे ना जस्ट लाइक राइस के साथ, यू विल फील जस्ट अमेजिंग। ये है सेकेंड आइटम ऑफ फिश और ये है हिलशा, जो जिसको बोला जाता है जस्ट लाइक क्वीन ऑफ ऑल फिशेस। ये दुनिया का सबसे टेस्टी मछली में एक है। ये थोड़ा सा जैसा लाइट इसका जो जस्ट लाइक ग्रेवी होगा, और ये हिलशा का देखिए, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट इसका भी जो टेस्ट है ना, बाय गॉड बहुत ही अमेजिंग है। और इसका भी डिफरेंट फ्लेवर है, वो है थोड़ा सा रिच टाइप ऑफ, ये थोड़ा सा जस्ट लाइक हेल्दी, जस्ट लाइक जस्ट ज़्यादा पानी दिया यहाँ पर दिया गया है। ये हिलशा फिश का ये कारी है, ये दोपहर का मेन्यू है, दो चीज़ गाइस। तो एक तो आपके से बात कर रहा हूँ, जस्ट लाइक मेरा मुँह में गंगा जमुना सब कुछ बह रहा है, सो आपके साथ बात कर रहा हूँ, बट फीलिंग सो गुड, फीलिंग सो एक्साइटेड, क्योंकि आज का दोपहर का मेनू है बहुत ही अलग सा। आई एम द फॉन्ड ऑफ फिश मैन, मुझको मछली खाना बहुत अच्छा लगता है, मछली खिलाना वो भी बहुत अच्छा लगता है, और जब ऐसे ही बढ़िया जिस क्वालिटी का मछली घर में जस्ट लाइक कुक होता है ना, मेरा मूड जल्दी से ठीक हो जाता है। ये दोस्तों मेरा Realme C11, तो ये मैंने फ़ोन जस्ट दो दिन पहले लिया है ऑलरेडी, फ़ोन दिस इज़ द फोन, एज यू कैन सी द कलर है लिटिल बिट ऑफ ग्रीन कलर, ये फ़ोन है। तो इसका बक्से के अंदर क्या था, बक्सा ऑलरेडी ओपन मैंने दो दिन पहले ही कर लिया था, तो व्लॉग नहीं बना था। बक्से के अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है, नथिंग इज़ देयर, ओनली फ़ोन था और उसके साथ सिर्फ एक चार्जर था। तो डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ न्यू फ़ोन, मेरा ये वीवो S1 जो प्रो ये फ़ोन है, इसके बाद भी मैंने सेकेंडरी फ़ोन मैंने क्यों खरीदा, टू सेव माई चैनल फ्रॉम द हैकर्स। कैसे क्यों, द थिंग इज़ दैट, देखो पहले जो मेरा ये मेन जो मेरा फ़ोन है 18,000 का वीवो S1 प्रो, जो लगभग
बहुत दिन हो, 7-8 महीने हो चुका है एकदम, जस्ट लाइक लास्ट ईयर ये जस्ट लाइक मार्केट में आया था, जैसे एक दिन महीने ही मैंने खरीद दिया था। सो इस फोन से मैं मेरा टोटल यूट्यूब चैनल का जो मेल्स है वो चेक करता हूँ, रिप्लाई करता हूँ स्पॉन्सरशिप का, कोलाबोरेशन का। बट क्या होता है ना, उसमें से कुछ ऐसे मेल आ जाता है जिस मेल होता है हैकर्स का, तो हैकर लोग कुछ लिंक विंक भेज देते हैं, मुझको पता नहीं चलता कौन हैकर है कौन जेन्युइन है, तो मैं लिंक मैं प्रेस कर देता। जैसे ही प्रेस करता तो एक बार क्या हुआ, मेरा ये पूरा फोन कम्प्लीटली हैक हो चुका था। मेरा 4 चैनल जो इस फोन से मैं ऑपरेट करता हूँ, 4 चैनल ही ऑलमोस्ट हैक कर लिया था। तो मैंने डिसीजन लिया भाई, और हर वक्त ये पॉसिबल नहीं है मेरे पीसी से, पीसी को ओपन करके आप मेल चेक करो, इट इज़ जस्ट नेक्स्ट इम्पॉसिबल, हर वक्त ये पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने ये नया फ़ोन खरीदा है। अभी मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम होगा, जो मेल रिलेटेड जो काम होगा यूट्यूब चैनल के लिए, व्हाट्सअप का जो काम होगा यूट्यूब चैनल के लिए, वो होगा कम्प्लीटली इस फोन में। अगर कोई हैकर बंदा कोई मेल भी भेजेगा मेरे फ़ोन को हैक करने के लिए, तो हैक करो, कोई इशू नहीं है, इस फोन में कुछ भी नहीं रहेगा। बट ऑल माई प्राइमरी चैनल का काम होगा इस फोन से, ऑफ जो मेल और ऑफ यूट्यूब रिलेटेड मेल, और जो उसका रिस्पॉन्स होगा सिर्फ इस फोन से, इसलिए मैंने खरीदा ये C11। बट एक चीज़ मुझको ठीक नहीं लगा भाई, 7000 का फ़ोन है, ठीक है चलो यार 7000 का फ़ोन है, बट अभी न्यू फैशन आया है मोबाइल के साथ कोई जस्ट लाइक हेडफोन नहीं देता है। क्यों नहीं देता है पता नहीं, पहले तो देता था सभी मोबाइल में, बट अभी देता नहीं है, सिर्फ ओनली चार्जर डेटा केबल देकर ही बात खत्म हो जाता है। तो दिस इज ऑल द थिंग्स ऑफ द न्यू गिफ्ट जो दिवाली से पहले मैंने खुद को गिफ्ट किया है फ्रॉम द ऑफकोर्स फ्रॉम यूट्यूब मनी। सो दोस्तों ऑलरेडी मैं आ चुका हूँ अभी मेरा लोकल मार्केट में, लोकल मार्केट में आया हूँ मेरे हॉबी के लिए, कुछ खरीदारी भी करना है, बट मेरा जो मेन हॉबी है एक्वेरियम का मछली पालना। तो इसीलिए मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर ऐसे कोई दुकान नहीं है जहाँ से मैं ये सब खरीद सकता हूँ, तो इसीलिए मुझको आना पड़ता है जस्ट एक स्टेशन अहेड। मैं रहता हूँ उदयपुर, और ये जगह है एक्चुअली मध्यम ग्राम, तो ये है मध्यम ग्राम का पूरा जोन, और यहाँ से मैं खरीदता हूँ मेरे एक्वेरियम का जो ज़रूरी चीज़ है, दैट आई बाय ऑल दिस फ्रॉम हियर। तो मास्क पहनना ज़रूरी है, बट आप देख सकते हो बहुत सारे लोग दे आर नॉट वेयरिंग द मास्क, एंड बहुत ही एकदम खचाखच भरा हुआ भीड़ है कम्प्लीटली। सो मैं तो मास्क लगा के आया हूँ, तो आज देखना है एक्चुअली मेरा एक्वेरियम के लिए क्या क्या मुझको मिल सकता है और क्या खरीदना है। बहुत दिन बाद आ रहा हूँ, लगभग 2 महीने बाद मैं आ रहा हूँ मेरे एक्वेरियम के जो दुकान से मैं हर वक्त मछली लेता हूँ, मछली का फूड लेता हूँ। मेरा घर में जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स के लिए भी मैं खाना लेता हूँ, आई टेक ऑल दिस फ्रॉम हेयर। तो ऑलरेडी मैं पहुँच चुका हूँ लगभग दुकान में। सबसे अच्छा होता है संडे आता हूँ, तो संडे सबसे ज़्यादा कलेक्शन रहता है, बिकॉज यहाँ पर हार्ट बैठता है। तो एक्चुअली आज है सैटरडे, एक्वेरियम बहुत ही खाली खाली है, तो सीन इज दैट अगर संडे में आओगे तो यू विल गेट लॉट ऑफ फिशेस ओवर हियर। ऐसे ही मैं बचपन से ही इसी दुकान से मैं खरीदता हूँ, क्या खरीदता हूँ मछली खरीदता हूँ यहाँ से। अपसेट होकर मुझको यहाँ से जाना पड़ रहा है, क्योंकि मैं जो फिशेस का कलेक्शन यहाँ से मैं चाहता था, यहाँ पर कुछ भी कलेक्शन नहीं था, एकदम खाली खाली। ऐसे मैं बोला था एक्चुअली सैटरडे को पूरा स्टॉक क्लियर हो जाता है, संडे नया स्टॉक आता है, तो संडे आता तो ज़्यादा बेहतर होगा, बहुत ज़्यादा कलेक्शन मुझको देखने को मिलता है। तो दोस्तों ऑलरेडी मैं आ चुका हूँ मेरा लोकल मार्केट में, लोकल मार्केट में कुछ सब्जी खरीदारी करना है, और पतंजलि के स्टोर में भी जाना है टू बाई समथिंग। दोस्तों पतंजलि के साबुन खरीदने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ कुछ सब्जी खरीदारी करने, लेट्स मूव ऑन। तो मेरा कुछ फिक्स्ड दुकान है जहाँ से कुछ अच्छी क्वालिटी की सब्जी मिल जाता है, आलू प्याज कुछ बेसिक चीज़ मुझे
खरीदना है एक अंकल जी के दुकान से, एंड उसका जो क्वालिटी बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि आलू का दो चार टाइप होता है, अगर अच्छा आलू होगा तो खाना भी बढ़िया होगा। तो दोस्तों मैंने खरीद लिया है आलू, प्याज एंड ऑल दिस थिंग्स, और भी कुछ खरीदारी करना है, बट अभी वो चीज़ खरीदना है फ्रॉम द ग्रॉसरी शॉप, कुछ धनिया, कुछ चिली पाउडर, सम शॉर्ट ऑफ थिंग्स नीड टू बाई कुछ चीज़। ये हम लोग का जो लोकल जो मार्केट है, बहुत ज़्यादा बड़ा मार्केट नहीं है, बट प्राइस भी ठीक ठाक रिजनेबल मिलता है। जो ग्रॉसरी का जो चीज़ मुझको खरीदना है वो खरीदना है मुझको दूसरा दुकान से, तो अभी उस दुकान में चलिए चलते हैं पहले। तो ऑलमोस्ट ये सब खरीदारी करने के बाद अभी कुछ और भी चीज़ खरीदना है, बट यहाँ से कहीं खरीदना है, घर जाके, घर के सामने एक दूसरा दुकान है, वहाँ से बाकी का चीज़ अरेंज करना है। तो चलिए पहले ये सब घर में पहुँचाने के बाद उस दुकान से भी बाकी शॉपिंग, बाकी खरीदारी कर लेते हैं। तो दोस्तों ऑलरेडी मैं घर वापस आ चुका हूँ वो जो खरीदारी करने के बाद, अभी मुझको जाना है कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ खरीदने के लिए। तो ये मेरे घर के एकदम सामने ये जो नया एक ग्रॉसरी शॉप हुआ है, तो इससे क्या हो जा रहा है, हम लोग को बहुत ही हेल्प हो रहा है। दिस इज़ माई होम, ये हम लोग का घर है, तो यहाँ से कुछ पैदल जाकर मुझको ग्रॉसरी का चीज़ खरीदना पड़ता था पहले। तभी क्या हो रहा है कि इस दुकान से मैंने आई स्टार्टेड टू बाई ऑल दिस थिंग्स। तो दोस्तों ये जस्ट लाइक शुगर मुझे खरीदना था ऑलरेडी, खरीद के बाद फाइनली ब्लॉग को यहाँ पर क्लोज करते हैं। सो ये था पूरा डे का शेड्यूल, अभी इस पूरा वीडियो को एडिट करना है, कल सुबह को इसको अपलोड करना है चैनल में। सो होप सो यू हैव एंजॉयड द एंटायर व्लॉग। तो अभी मेरा कोशिश है हर दिन ऐसे लाइफस्टाइल वाला व्लॉग बनाना, क्योंकि कोविड के लिए इंटरनेशनल ट्रिप अभी पॉसिबल नहीं है, तो बीच बीच में मैं लोकल ट्रिप भी करना करता रहूँगा, ऐसे ही डेली बेस व्लॉग भी आई विल शूट ऑन दैट वे। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो।